बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। जी आज हम आपके साथ 1 kg मलाई की हम बनाएंगे देसी घी। तो इसके लिए हम मक्खन निकालेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि मैं आपके साथ मक्खन इसलिए सामने निकाल रही हूँ, जैसा कि मौसम चेंज हो चुका है, ना गर्मियाँ ना सर्दियाँ, नॉर्मल मौसम है, तो मक्खन निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि सर्दियों का मौसम हो तो गर्म पानी जाता है तो ये बन जाता है, और अगर गर्मियाँ हों तो ठंडा पानी जाता है तो मक्खन बन जाता है। तो आज मैं आपके नॉर्मल सीज़न में आपके सामने मक्खन बनाऊंगी और फिर इससे बनाएंगे हम देसी घी। तो मैं बड़े अच्छे और मुनफरिद बहुत अलग थलग मैं आपके साथ देसी घी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चले हम पहले मक्खन निकालते हैं। ये देखिए, ना हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और ना ही हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। निकालते हैं, तो ये देखें मैंने अभी इसको 1 से 2 मिनट ही किया है तो इसके ऊपर मक्खन आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें रूम टेम्परेचर का डालेंगे पानी। ये देखें, तो इसको हम बंद करेंगे और इसके अंदर से ये देखिए कितना अच्छा सा मक्खन ऊपर आ गया है। तो हम इसको बर्तन में निकालते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा मक्खन रेडी हो चुका है। ये देखें काफ़ी अच्छा सा बना है। तो अब हम इसको निकालेंगे उस पैन में जिसमें हमने गर्म करना है। ऐसे कर करके हम निकालते रहेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों की मदद से दबा दबा कर मक्खन को बाहर निकाल सकते हैं, पर मैं स्पून से निकाल रही हूँ, या आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो थोड़ी सी जो लस्सी होगी वो दोबारा हम इसको बाहर निकाल सकते हैं इजीली, तो इसलिए आप इसी तरह निकाल लें। ये देखें बड़ा अच्छा सा मक्खन है। तो आप ना हमेशा जो देसी घी लेते हैं ना घर का रेडी क्या करें, बाहर के देसी घी की समझ नहीं आती कि वो किस चीज़ का देसी घी बना लेते हैं, तो मज़े का भी नहीं होता और उसके अंदर एक मखसूस सी स्मेल आ रही होती है कि घी खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। ये देखिए हमने मक्खन निकाल लिया है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा लस्सी थी वो हमने निकाल दी है। ये थोड़ी सी रह गई, ये साथ ही खुशक हो जाएगी। तो अब हम देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने फ्लेम पर मक्खन रख लिया है। अब हम इसको मिक्स करते हुए पहले करेंगे मेल्ट। हम इसको हलाते जाएंगे और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, फिर हम बताएंगे कि हम इसके अंदर क्या डालेंगे तो अच्छा सा साफ सुथरा सा हमारा घी बनेगा। तो ये देखें, आप इसको हलाते हुए मेल्ट करिएगा, वरना ये इसको बॉयल आएगा तो आपका सारा जो मक्खन होगा वो बर्तन से बाहर आ जाएगा और आपका चूल्हा भी ख़राब हो जाएगा, आपका पैन भी ख़राब, हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम हलाते हुए मेल्ट कर रहे हैं। तो जब तक हमारा घी मेल्ट होता है, आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जाएँ और रेड बटन जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब का उसको दबा कर उसको जल्दी से ब्लैक कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक आसानी पहुंच सके। अगर मेरी रेसिपीज पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए हमारा मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं, हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जौ का आटा और इसको अच्छी तरह से जल्दी मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखिए इसको हमने मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट बनाना पकाना है ताकि जो है हमारा घी सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये जो जौ का आटा है ना, इससे घी बहुत जल्द सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए अभी मुझे 1 मिनट ही हुआ है तो इसका घी अलग होना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको हलाते हुए 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे।
ये देखें घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये जो हमने आटा डाला है इसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम घर में घी गर्म कर रहे होते हैं तो एक दो दिन पुरानी बिलाई हो तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम इसमें जौ का आटा डालते हैं ना तो उससे बिल्कुल स्मेल नहीं आती, इतना अच्छे तरीके से घी बनना शुरू हो जाता है ना तो स्मेल भी नहीं होती और बड़ा अच्छा सा साफ सा हो जाता है। तो ये देखिए ये जो हमारी लस्सी है और आटा है नीचे बैठना शुरू हो गया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए काफ़ी जल्दी जल्दी फटाफट से ना आटा डालने से घी ऊपर आ जाता है ना, वरना आप लगे रहो तो वो घी नहीं ऊपर आता। तो ये देखें आप भी घर में ना बलाई इकट्ठी किया करें, इस तरह देसी घी बना लिया करें। ये घर का देसी घी की बात कुछ अलग होती है, जो बाहर से लेते हैं उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, खाने का काबिल नहीं होता। तो आप भी इसी तरह घर में ना देसी घी रेडी कर लिया करें। तो ये देखें हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखें हमारा घी ठंडा हो चुका है और ये जो लस्सी है वो जौ के आटे के साथ नीचे बैठ गई है। अब हम इसको जार में निकालते हैं, कप में निकालते हैं। तो हमने इस तरह का एक बड़ा सा मग लिया है तो इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे। याद रहे कि जिससे हमने इसमें घी डालना है या जिस बर्तन में घी डालना है या स्ट्रेनर है, इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी नमी ना हो वरना हमारा देसी घी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हम अब इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसका कलर चेक करें कितना अच्छा इसका कलर आया है। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है, मुख्तिक तौर पर गर्म बाज़ दफ़ा नहीं होती, तो आप ये जो होती है ना छाननी, आटा छानने वाली, आप उससे भी स्ट्रेन कर सकते हैं। तो हम इसमें डालते जाएंगे और स्ट्रेन करते जाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा हमारा ना वो जो घी है ना वो स्टेन होता जा रहा है। ओनली 10 मिनट लगे हैं हमें घी बनाते हुए, बड़ी अच्छी और चटपट से ये ना तैयार हो गया है। तो ये होता है कि अगर इसमें हम डालते हैं ना आटा, तो आटे से एक तो घी बड़ी जल्दी ऊपर आ जाता है, नंबर दो उसके अंदर से स्मेल भी नहीं आती। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा और कलरफुल साना देसी घी रेडी हो चुका है। तो आप इस तरह से घर में बनाए तो इन्जॉय करें। ये खालस देसी घी है, ये बहुत अच्छा होता है। बच्चों को इससे चूरी बना के दें, सालन में डालें, खुद मके चपाती खाएं, ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो ये जो इसके लस्सी बच गई थी, कुछ लोग उसका वो जो हलवा होता है जौ के आटे का वो बना के खाते हैं, कुछ इसको आटा गूंधते हुए अंदर डाल लेते हैं कि अच्छी सी रोटी सॉफ्ट सी बन जाती है। तो आप जो चाहें आप कर सकते हैं। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।